एप्पल को अपनी आईपैड लॉन्च की हुए एक साल से भी ज्यादा हो चुका है। नाउ फाइनली एप्पल इंट्रोड्यूस करने वाला है ब्रांड न्यू आईपैड्स, आईपैड्स एयर मॉडल्स एंड ब्रांड न्यू एप्पल पेंसिल। तो एप्पल ने अपने ऑफिशियल एप्पल चैनल पर लाइव इवेंट का स्केड्यूल सेट कर दिया है ऑफ दी डेट 7th of May। इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो शाम के 4 बजे ये लाइव इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट अपडेट की बात करें तो फाइनली एप्पल अपनी आईपैड प्रो मॉडल में फर्स्ट टाइम एवर ओलेड पैनल डिस्प्ले इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो रूमर के अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले 13 inches एंड 11 inches होने वाली है। इस बार ये भी अपडेट आ रही है कि एप्पल अपनी आईपैड में फ्रंट फेसिंग कैमरे की पोजीशन को चेंज करने वाला है। तो इस बार एप्पल कैमरा प्रोवाइड करने वाला है हॉरिजॉन्टिकल साइड ऑफ द डिस्प्ले। तो इस बार ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है एप्पल से कि एप्पल इस लाइव इवेंट पर 2 मॉडल इंट्रोड्यूस करने वाला है आईपैड एयर्स के, जिसमें 12.9 इंचेस एंड 10.9 इंचेस के साथ मिनी मॉडल भी आएगा, जिसमें हमें एलईडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। एंड यही नहीं गाइस, सबसे अच्छी बात है कि एप्पल अपनी लेटेस्ट M3 चिपसेट को यूज करने वाला है इन दोनों ही टैबलेट्स में। ऑल्दो यहाँ पर आईपैड प्रो के कंपैरिजन में एयर का काफी ज्यादा प्राइस कम रहने वाला है। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर ही परफॉर्मेंस एयर मॉडल में भी देखने मिल जाएगी। एंड लास्ट यहाँ पर एप्पल अपनी ब्रांड न्यू एप्पल पेंसिल भी इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो अपडेट के अकॉर्डिंग ये पेंसिल स्क्वीज जेस्चर के साथ आने वाली है। एप्पल पेंसिल के अलावा रीडिजाइन एप्पल अपना मैजिक कीबोर्ड भी इंट्रोड्यूस करने वाला है एंड एप्पल का स्टर्डियर एल्युमिनियम चेसी के साथ लार्जर कीपैड भी आने वाला है। तो ऑलमोस्ट 10 दिन का टाइम बचा है जब एप्पल ये सब कुछ हमें इंट्रोड्यूस करेगा 7th of May को। तो नेक्स्ट अपडेट स्पेशली फॉर EU यूजर के लिए होने वाली है। तो एप्पल जल्दी ही अपना 17.5 iOS इंट्रोड्यूस करने वाला इन ए बीटा वर्जन टू द डेवलपर्स। तो नॉर्मली हमें दिस काइंड ऑफ अपडेट में कुछ बड़ा चेंजेस देने के लिए नहीं मिलता, बट इस बार एप्पल ट्राई कर रहा है कुछ बड़ा अपडेट लेके आने के लिए अपने iOS 17.5 में। तो इस अपडेट के बाद यूरोपियन यूनियन यूजर्स डाउनलोड कर पाएंगे साइड लोडिंग एप्लीकेशन को विदाउट यूजिंग एप्पल एप स्टोर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईफोन 17 प्लस जो हमें 1.5 साल के बाद देखने के लिए मिलेगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमें अभी से एक अपडेट आ रही है जो कि एप्पल यूजर्स को डिसपॉइंट कर सकती है, स्पेशली फॉर दोज यूजर्स जो कि एक बजट में रह के बड़ी स्क्रीन वाले आईफोन को यूज करना चाहते हैं। जैसे कि हमें आईफोन 15 प्लस एंड 15 प्रो मैक्स में सेम स्क्रीन साइज देने के लिए मिला था 6.7 इंचेस, एंड इसको अगेन एप्पल कंटिन्यूस रखेगा इन अपकमिंग आईफोन 16 प्लस एंड 16 प्रो मैक्स में। तो ये अपडेट एक काफी ज्यादा रिलायबल सोर्स से आ रही है हमें। अकॉर्डिंग टू द रोव जंग जो कि डिस्प्ले सप्लाई चेन का कंसल्टेंट है, उसने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि एग्जैक्टली यहाँ पर आईफोन 17 प्लस में एप्पल अपने प्लस मॉडल का स्क्रीन साइज रिड्यूस करने वाला है। तो ये तो ऑब्वियस है गाइस, अगर यहाँ पर स्क्रीन साइज कम होगा तो जो डिमेंशन आईफोन प्लस मॉडल की वो भी कम होने वाली है, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी कम होगा। तो जो हमें नॉर्मली एक डिफरेंस देखने के लिए मिला करता था इन बिटवीन नॉन प्रो मॉडल्स, वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो गाइस इस अपडेट को लेके आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, क्या एप्पल को यहाँ पर जो स्क्रीन साइज है प्लस मॉडल का कम करना चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही अपडेट आना वो भी रोफ जंग की तरफ से, उसको हम निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो गाइस ये थी सभी अपडेट्स रिगार्डिंग आईफोन। आई होप कि आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो जाओ पुराने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।